मेरे दोस्त, कैसे आप इस तरीके से वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे तेजी से वायरल हो सकते हो? आपको पता है VFX वीडियो इतनी टाइम 2024 में कितना ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि नॉर्मल कंटेंट तो हर कोई बना रहा है, लेकिन अगर आप कुछ अलग बनाओगे, कुछ VFX यूज करोगे जिससे ऑडियंस इंगेज होगी, तो वो आपको जल्दी सब्सक्राइब करेगी, जल्दी व्यूज आएगा आपका, और आप यूट्यूब से लाखों रुपए कमाओगे। और मेरे कुछ ऐसे पॉडकास्ट में ऐसे यूट्यूबर आए हैं जो VFX वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी उनका पॉडकास्ट अपलोड कर दिया, जाके उस वीडियो को देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं कि आपको कैसे शूट करना है वीडियो, कैसे एडिट करना है, किन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। बाकी एक आप भी यूट्यूबर हैं तो सब्सक्राइबर की कीमत जानते हो यार, 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है, अगर आप लोग नहीं कंप्लीट कराओगे तो कौन कराएगा, सब्सक्राइब करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको वीडियो कुछ इस तरीके से शूट करना है, ठीक है, जहां पर आपका जो बैकग्राउंड है उसको कुछ इस पोजीशन पर रखिएगा मोबाइल में कि आपका और आपका बैकग्राउंड दोनों आ जाए, कुछ इस तरीके से आपको एक्टिंग कर लेना है। अब एक्टिंग करने के बाद, ठीक है, एडिट कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है इसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर एडिट करने के लिए मैं यूज करता हूं काइनमास्टर। काइनमास्टर जो यूज करते हैं वो जानते हैं, जिनके पास नहीं हो तो आ जाना मेरे टेलीग्राम पे, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको उस वीडियो को ले लेना है, मैंने वीडियो प्ले करके आपको दिखाया है कैसे शूट किए हो, ठीक, आपको हूबहू वीडियो को लेना है। यहाँ पर देखिए, जो फालतू पार्ट है पहले उसको कट करना है, ठीक, जैसे मेरा जो करेक्टर है कुछ यहाँ से आ रहा है, देखिए अभी मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, एक बार वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तब आपको एक एक चीज समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से आपने एक्टिंग किया, जो मैं हूँ यहाँ से आ रहा हूँ, देखिए यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है, ठीक। तो अब जो ये लिप का पार्ट है इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो गई, कुछ इस तरीके से हमने एक्टिंग किया। जंपिंग याद रखना, आप जंपिंग करना तो जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर ही जाना, ठीक है, वो जंपिंग में आप याद रखना, आपको बैकग्राउंड के ऊपर ही जंप करना है, ठीक है। अब देखिए एडिट कैसे करना है, सबसे पहले जो फालतू पार्ट है हमको इसको कट कर लेना है, और एक वीडियो आप शूट कर लीजिएगा बैकग्राउंड के रूप में। यहाँ पर देखिए मैं हट गया, सिंपल बैकग्राउंड, आपको मोबाइल को हिलाना कतई नहीं है, बस ऐसे आपको शूट कर लेना है, ठीक है। अब इसका करना क्या है, ध्यान समझो, इस बैकग्राउंड का इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर आप देखिए क्लिक करेंगे कैप्चर एंड सेव, इस पर आप ओके कर देंगे तो आपका जो ये इमेज है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा इमेज जो है सेव हो गया। अब आपको पिक्सार्ट का यूज करना है, देखिए हम गैलरी में आ गए, गैलरी में आने के बाद इसे शेयर कर लेना है पिक्सार्ट में। आप बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है, इरेज बैकग्राउंड, ठीक है, बीजी रिमूव, ऐसे करके आता है। मैं पिक्सार्ट का यूज कर रहा हूँ क्योंकि पिक्सार्ट मेरे मोबाइल में था। पिक्सार्ट में देखिए यहाँ पर ड्रॉ पे आप ओके करेंगे, ठीक है, पिक्सार्ट से बहुत अच्छा खासा रिमूव हो जाता है बैकग्राउंड। यहाँ पर आना, अब ऊपर आप देख रहे होंगे, आपके ऊपर दिख रहा होगा कि लेयर का ऑप्शन, या लेयर का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो लोग पिक्सल लैब यूज करते हैं, पिक्सल्स यूज करते हैं, वो जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेयर को आप नीचे कर लेंगे, चलिए हमने नीचे किया। अब ऊपर वाले बैकग्राउंड को हमने चूज किया क्योंकि हमें PNG चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इरेजर पे आइएगा और साइज को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर साइज को बड़ा कर लेते हैं और रिमूव करते हैं एक एक करके, आपको पूरा का पूरा पार्ट मैं यहाँ पर जल्दी से इरेज करके आपको पूरा बताता हूँ, ठीक है। साइज को बड़ा कर लेते हैं, साइज को बड़ा छोट आप अपने हिसाब से कर लेते हो। यहाँ पर मेरा जो इमेज है वो रेडी हो गया, देखिए हमने बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया और नीचे का पार्ट छोड़ दिया। अब यहाँ पर सेव करने के लिए देखिए 3 डॉट पर आपको ओके करना है, 3 डॉट पर जाना तो आपका ये इमेज क्या है जो वो PNG में सेव होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आना, अब सेव एज इमेज कर देना, तो आपका इमेज जो है वो PNG में सेव होगा। अब इस PNG का इस्तेमाल कहाँ पर करना है ध्यान समझिएगा। आ जाते हैं हम पुनः काइनमास्टर पे, ठीक है, ये मेरा एक्टिंग है। चलिए यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जंप किया है उसको देखिए ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिए। आइए आपको लेयर पे, आपको पता है लेयर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। यहाँ पर वो इमेज ले लेना जो हमने अभी रिमूव किया है। अब रिमूव जो हमने बैकग्राउंड लिया है उसको बहुत अच्छे से एडजस्ट करना है, यही मेन कलाकारी है। अगर आप अच्छे से एडजस्ट कर लोगे, पीछे वाली जो इमेज है उसी के साइज का आपको एडजस्ट करना है। और अगर ना समझ में आए कि यार पीछे वाला जो साइज गड़बड़ हो रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो है। अभी देखिए और इसे बड़ा करते हैं, ध्यान सुनिए, और बड़ा करते हैं कि अभी देखिए यहाँ पर मैंने जंप किया, देख रहे हो, मैंने घर जो घर है उसके ऊपर मैंने जंप किया है। अब जहाँ पर मैंने जंप किया तो वहाँ से जो बैकग्राउंड रिमूव इमेज था उसको मैंने हटा दिया, देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि अब देखने में रियल लगेगा। अब यहाँ और एडजस्ट करते हैं अच्छे से, ऑपोसिटी को हम कम करेंगे ताकि जो पीछे का बैकग्राउंड है, जो पीछे का घर है, वो हमको अच्छे से दिख पाए और हम उसी के साइज में इसको एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है। चलिए हम एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा और कम करते हैं,
अगर ओपेसिटी को आप थोड़ा सा कम कर देंगे तो पीछे वाली इमेज आपको दिखने लगेगी, उसी के अंदाज से आपको फिट करना है सेम बराबर का। ठीक है, यहाँ पर मेरे को परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, चलिए ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं, अब प्ले करते हैं। देखिए वीडियो हमारी फाइनल हो गई है, अभी और कुछ इफेक्ट बाकी है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से इमेज हमारा बन गया, इमेज के साथ पूरी वीडियो हमारी तैयार हो गई, देख रहे हो। चलिए ये हमारी वीडियो बन गई। अब आपने वीडियो में एक चीज़ और देखा होगा, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं पैर रख रहा हूँ कुछ धूल जो है ऊपर आए, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर, अब देखिए आपको लेयर पे जाना है, आपको एक ग्रीन वीडियो चाहिए, जहाँ पर मैं पैर रख रहा हूँ वहाँ पर धूल जो उधर आए कुछ इस तरीके से। यह डाउनलोड कर सकते हो आप यूट्यूब से, अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। ठीक है, ये यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको अच्छे से। चलिए और इसको हम बढ़ाते हैं, जहाँ पर मेरा पैर मैं रख रहा हूँ, जहाँ पर मेरा पैर पहुँच रहा है ज़मीन पे, मैं केवल वही चाहता हूँ कि उधर आ जाए। ठीक है, देखिए आपको क्रोमा की इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए ग्रीन स्क्रीन जो है हट गया। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को छोटा लग रहा है, अब इसे और बड़ा करते हैं। यहाँ पर मेरा दोनों पैर है, क्योंकि फोर्स तो दोनों पैर पर लगेगा। चलिए और बड़ा कर लेते हैं इसे। देखिए देख रहे हो, केवल 10 मिनट में ये वीडियो तैयार होगा। ऐसे वीडियो बनाकर आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मेरा, अब देखिए ये अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ यहाँ है कि जहाँ पर यह ग्रीन स्क्रीन खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये सब कुछ हट जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर पड़ा रहे। देखिए तो इसको क्या करना है, ये वाली पोजीशन हमको क्रॉप करना है, अभी इसे स्प्लिट कर लेना है। अब थोड़ा सा इसकी जो साइज़ है और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जहाँ तक जाए ये, थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए मैं और बड़ा कर देता हूँ इसे, और ड्यूरेशन जो है इसका बड़ा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहीं से ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर टू लिखा गया वहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम इसलिए स्लिप करते हैं। ठीक है, ट्रिम कर दिए। अब डुप्लीकेट करके इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि ये परमानेंट पड़ा रहे, जहाँ पर मैं चला गया, दौड़ गया, पीछे गया, वहाँ तक भी ये दिखता रहे। ठीक है, अब सही बताऊँ तो ये वीडियो शूट करने के लिए मेरे को एक दो गांव घूमना पड़ा, तब जाके मेरे को ऐसा बैकग्राउंड मिला। अब देखिए मेरी वीडियो जो है तैयार हो गई, देख रहे हो कितनी गजब वीडियो शूट हो गई। अब चाहो इसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप बॉलीवुड सॉन्ग को अपलोड करके ट्रेंडिंग सॉन्ग को यूज करोगे तो ज्यादा व्यूज जाएगा। अब आपको हो गया, ट्रेंडिंग सॉन्ग हम यूज करेंगे तो हमारे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा? नहीं आएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को जाके देखिएगा, यहां पर मैं बताया हूं कि कैसे आप शॉर्ट्स वीडियो में बॉलीवुड सॉन्ग को यूज कर सकते हो और आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब उसका खुद परमिशन देता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, और जिन्हें पता है वो मिलियन में व्यूज ले रहे हैं। इसलिए आप जाके इस वीडियो को देखिएगा तो यहाँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आ गई होगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी चैनल पर नए हो यार सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।